जब भी आप लोग ऑप्शन चेन को देखते होंगे, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती होगी ऑप्शन चेन कि भाई इसे देखकर ट्रेडिंग कौन करेगा। बट अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन चेन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए सारे सीक्रेट्स ऑप्शन चेन में ही छुपे हुए हैं ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के। तो ये सीक्रेट्स आपको क्यों नहीं सीखने चाहिए आप मुझे बताइए। आपको अगर लगता है कि आपको इन सीक्रेट्स को जानने की जरूरत है, हो सकता है सीक्रेट वही होता जो हमें अभी तक नहीं पता होता। तो जो सिंपल ऑप्शन चेन को आप जानते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है और वो सब हम आप डिस्कवर करने वाले हैं इवन इफ यू आर अ बिगनर। तो आप इसी वीडियो से अपनी शुरुआत कीजिए ऑप्शन चेन को समझने की और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल करने की। सो आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर स्वागत है आपका हमारे गोल सेलमेंट शो पर। विनय जी सेबी रजिस्टर्ड है, आ रही है और अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड करने वाले हैं। देखो इन्होंने ऑप्शन चेन पर कई साल रिसर्च करी है और उन रिसर्चेस से कई सारी थ्योरीज निकाली है। सो वो थ्योरीज आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए बात की शुरुआत करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, ऑप्शन में मुझे ट्रेडर बनना है। अब मैं अपने ऑडियंस को इतना समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस को इतना पता है कि कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। इससे आगे का शुरू करते हैं जी। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन चेन जब बात होती है, ऑप्शन चेन की बात हम लोग जब शुरू करते हैं तो ऑप्शन चेन समझ के होता है कि मतलब कि सब सिर्फ हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं, ऑप्शन चेन देख करके कैश में भी ट्रेडिंग हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, ऑप्शन में भी हो सकती है। हाँ, ऑप्शन में दमदार ट्रेडिंग हो सकती है। बेसिकली ऑप्शन चेन दिखता कैसा है, सिंपली गूगल पर अगर हम लोग लिखें NSE ऑप्शन चेन, ठीक है, तो NSE ऑप्शन चेन लिखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये ऑप्शन चेन हमारे सामने आ जाता है। अब होता क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये जो ऑप्शन चेन हमको दिखाई दे रहा है, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये डेटा हमको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है जी, कोई पैसा नहीं लेता है, राइट। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है और सेम डेटा, मजे की बात देखिए, सेम डेटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैसा देके भी देता है, राइट। अब कैसे पैसा देके देता है? होता क्या है, जब एक बायर और सेलर आपस में ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रेड तभी एग्जीक्यूशन माना जाएगा जब बायर ने खरीदा और सेलर ने बेचा जी। तो जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो ट्रेड किसी भी ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर के तो प्लेटफॉर्म पर, ब्रोकर एक मीडियम है, उस ब्रोकर के थ्रू कहां पहुंचा, एक्सचेंज पर पहुंचा। अब एक्सचेंज पर पहुंचा तो ये ट्रेड रिकॉर्ड हो गया, राइट। कि अब एक्सचेंज को सब कुछ पता है, एक्सचेंज इज एब्सोल्युटली सबसे इनसाइड, इनसाइड में सबसे सबसे ज्यादा खबर किसके पास है, एक्सचेंज के पास है कि अगर कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस है 24,500 उसके कॉल साइड में कितने बायर ने ट्रेड किया है, आज कितने राइटर ने राइटिंग की हुई है, ईच एंड एवरी छोटा माइनर से माइनर डेटा एक्सचेंज के पास अवेलेबल है। वो डेटा एक्सचेंज हमको यहां पर 3 मिनट बाद डिस्प्ले कर देता है, 3 मिनट्स बाद, आफ्टर 3 मिनट्स, और कोई लाइबिलिटी नहीं, कभी 5 मिनट में भी आया तो भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है एक्सचेंज की, 3 मिनट लिखता है एक्सचेंज। कई कई बार 5 मिनट में हो रहे हैं, कई बार 7 मिनट में हो रहे हैं, कई बार नहीं भी हो रहे हैं दिन दिन भर, मतलब यहाँ पर वो डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज डिस्प्ले करता है दिखाने के लिए, बिकॉज दिस इज द मार्केटिंग ऑफ द एक्सचेंज, कि ये डेटा आपको अगर खरीदना है तो आप हमसे परचेज कर लीजिए जी, और परचेज कर लीजिए इस कॉस्ट पे की यूज कॉस्ट होती है, और वो भी इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड मतलब ऐसा नहीं आएगा, इनक्रिप्टेड मतलब कि उसको कोड करके वापस से उसको डिकोड करना पड़ेगा आपको। तो क्यों बेचता है कि अगर इसका रियल टाइम डेटा आपको चाहिए कि कितने बायर ने खरीदारी की, बिकवाली की, ईच एंड एवरीथिंग का जो डेटा है अगर आपको चाहिए तो वो हम क्या करते हैं, उसको डिक्रिप्ट करके उसको वापस से रिकोड करते हैं, और रिकोड करके डिस्प्ले लायक, देखने लायक, ऐसा देखने लायक बनाते हैं। तो अगर मैं इस डेटा पर देखने जाऊंगा तो पहली बात तो ये डेटा मेरा एकदम डिलेड डेटा है, दूसरी बात कि ये डेटा सिंपल है भाई, सिंपली रखा हुआ है, एक एक चीज नॉर्मल रखी हुई है, सेम कपड़े की शर्ट कोई और भी पहन सकता है, सिंगल एक कलर का, और सेम कपड़े की शर्ट आपने भी पहनी हुई है भाई, आपका डिजाइनर है, आपके डिजाइनर ने डिजाइन किया और आपने वो शर्ट पहन ली, इसी सेम कलर की शर्ट कोई हो सकता है एकदम प्लेन सिंपल शर्ट जो कि मार्केट में नॉर्मली आती है, दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर इस ऑप्शन चेन में बात करूँ कि आपको मुझे देख के बताना है कि ये सारा कॉल है, बीच में स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम दिखाई दे रही है, LTP दिखाई दे रही है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम। तो मैं अगर इसमें बोलूं कि इसमें से थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, अब थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम पुट साइड में अगर मुझे ढूंढना है तो इतनी सारी वॉल्यूम से तो सबसे पहले तो मैं हाईएस्ट ढूंढू, फिर मैं सेकेंड हाईएस्ट ढूंढू, फिर मैं थर्ड हाईएस्ट ढूंढू, एक तो डिलेड डेटा आ रहा है उसके बाद ढूंढने में भी इतना समय खर्च करूं, मैं बोलूंगी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, फिर मैं इसमें ढूंढने जाऊं। तो एक तो ये तो बड़ा सिंपल सा बात हो गया, तो इसको थोड़ा सा और सजाया हमने, तो
तो हमने एलटीपी कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट बनाया, तो एलटीपी कैलकुलेटर पर वही डेटा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए बीच में स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई देती, हाईलाइटेड हो गई, ठीक है। क्यों एलटीपी कैलकुलेटर, क्यों, क्योंकि हाईलाइटेड हो गई। अब मैं बोलूँ कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो देखिए पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई देने लगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा कि किस कलर से कैसा दिखाई देता, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ कि बेसिकली अलग गया है, डिफरेंट गया है। अब मैं बोलूँ कि ऑप्शन चेन में ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा थीटा वेगा गामा रो ग्रीक्स होते हैं। अब ग्रीक्स की कैलकुलेशन होती है, ग्रीक्स अपने हिसाब से डेल्टा की वैल्यूज चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से एलटीपी की प्राइसेस चेंज होती है, बहुत सारे मल्टीपल कैलकुलेशन होते हैं। तो अगर आप एक ब्रिलियंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो वो कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो उस कैलकुलेशन की चाहिए होती है ऑटोमेशन, कि ऑटोमेट तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर पाएं, और उस कैलकुलेशन से हम बेसिकली जो कोर मेजर चीज है हम रिवर्सल प्राइसेस जनरेट करते हैं। बेसिकली रिवर्सल प्राइसेस होता क्या है, रिवर्सल प्राइसेस हर एक ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द एक ऐसी प्राइस होती है जहां पर बाजार रिवर्स होने की कैपेसिटी रखता है जी, और उसकी कैलकुलेशन ही ग्रीक्स के थ्रू और इन एलटीपीज के थ्रू होती है। तो हम बेसिकली जो एलटीपी कैलकुलेटर है, इस एलटीपी कैलकुलेटर पर इसके रिवर्सल की कैलकुलेशन करते हैं, साथ ही बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को, सिंपल सी बात है कि एक बायर है उसको ट्रेडर बनना है, या एक एक ऑप्शन ट्रेडर है उसको कोर ट्रेडर बनना है, तो कैसे उस इस वो इस ऑप्शन चेन को समझेगा। तो सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि बीच में मुझे ये दिखाई दे रही है स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है। दीज स्ट्राइक प्राइसेस आर मार्केट के पड़ाव, बाजार कहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, बाजार मुझे दिखाई दे रहा है, मार्केट चल रहा है 51,235 पर, राइट, 235 मतलब कि बाजार 200 और 300 के बीच में है, इसलिए ये इसके बीच में दिखाई दे रहा है। और यहां पर मुझे एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दिस रेड लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, जैसे धरती पर भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, तो एक ऐसी रेखा जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि देयर इज अ लाइन, तो उस इमेजिनेशन को हमने यहां दिखा दिया जी। ये बाजार में बॉर्डर क्रिएट कर रही है कि इस लाइन के ऊपर कुछ स्ट्राइक प्राइसेस और इस लाइन के नीचे कुछ स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। जब 266 पर मार्केट है तो इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस 200 ठीक इसके ऊपर दिखाई दे रही है, और इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस 300 ठीक इसके नीचे दिखाई दे रही है। तो क्यों हमको इसको जानना है, क्योंकि यही इमेजिनरी लाइन हमको ट्रेड देगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि बाजार को हमको ट्रेड करना है जब बाजार में बाजार यहां से नीचे गिर जाए और 082 पर, 51,082 या 51,071 पर, 75 पर, 76 पर पहुंच जाए, तो यहां मुझे ट्रेड करना है। तो यहां ट्रेड करना है मतलब क्या, ये इमेजिनरी लाइन 200 और 100 के बीच में आएगी, तब जाके यहां पहुंचेगा और तब मेरा ट्रेड क्रिएट होगा। तो मेरे पास एक एड्रेस होना चाहिए कि वेयर, फ्रॉम वेयर शुड आई ट्रेड, मेरा एड्रेस क्या है ट्रेड का। तो मेरा एड्रेस है 73 या 63, जो भी वैल्यू है, उस जगह पर इमेजिनरी लाइन पहुंचेगी। मैं कहूं कि मुझे बिकवाली करनी है, मुझे बेचना है मार्केट को, कहां से बेचना है, मुझे बेचना है 215 से, 218 से, तो जब 218 पे मार्केट आएगा तो 200 और 200 और 300 के बीच में होगा, तो 200 और 300 के बीच में होगा तो मैं वहां से बेचूंगा। तो मेरे पास एक एड्रेस होना चाहिए बाजार का, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट इमेजिनरी लाइन का बनाया गया है, इसकी हम इमेजिनेशन करते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, अब बेसिकली ये इमेजिनरी लाइन का मूवमेंट का डायरेक्शन हमको समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है, जब आगे चल के हम इसी 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 के माध्यम से जब हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, जब कॉल खरीदना शुरू करेंगे, पुट खरीदना शुरू करेंगे, तो मुझे इसका इसकी इसकी एक एक हरकत के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेसिकली काम कैसे करती है। अच्छा, जैसे मैं बोलूं कि मार्केट अभी चल रहा है 222, यहां से बाजार बुलिश हो गया, ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, मान लीजिए 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो 100 पॉइंट्स ऊपर मतलब कहां, 322, तो अगर 322 गया तो किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, 300 और 400 के बीच में, और ऊपर गया तो 400 और 500 के बीच में, और ऊपर गया तो 500 और 600 के बीच में, यानी कि बुलिश मार्केट का डायरेक्शन हमारा इमेजिनरी लाइन का क्या है, ऑप्शन चेन में डाउनवर्ड्स दिखाई दे रहा है जी। ऐसे ही अगर बेरिश मार्केट हो, 250 का बाजार है, 150 चला गया तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और नीचे 100 चला गया तो इस डायरेक्शन में, यानी कि बेरिश मार्केट जो इमेजिनरी लाइन है बेरिश मार्केट में इस तरफ बढ़ रही है। तो बेसिकली ये कुल मिला जुला के एक बाजार को कैप्चर करने वाली बात है कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में कैप्चर कर रहा है। जब भी बाजार बुलिश होगा तो हमारी इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, चार्ट्स में ऊपर की तरफ जाएगा, ऑप्शन चेन में नीचे की तरफ जाएगी, और जब बाजार नीचे गिरेगा तो हमारी इमेजिनरी लाइन ऊपर, इमेजिनरी लाइन बेसिकली यही फिक्स्ड रहेगी, ये स्ट्राइक प्राइसेस अप डाउन होते चले जाएंगे, तो इधर ऊपर की तरफ जाती चली जाएगी। तो बुलिश बाजार हमेशा इमेजिनरी लाइन को
बड़ी स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ लेकर जाएगा और बेरिश बाजार हमेशा इमेजिनरी लाइन को छोटी स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ लेकर जाएगा। अब जब भी हमको इमेजिनरी लाइन देखना आ गया, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं ये बातें बता रहा हूं भाई, कॉल कहां से खरीदना है, पुट कहां से खरीदना है, पहले मैं ये बता दूं। लेकिन ये समझने के लिए हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि कॉल पुट इज द लास्ट थिंग, व्हाट सबसे आखिरी चीज जो हम करेंगे वो कॉल पुट खरीदने की बात करेंगे। ठीक है, अब जब हमको इमेजिनरी लाइन समझ में आ गई तो सबसे पहला काम जो हमको समझना है, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है उसको समझना है। जोड़ी यानी कि पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इसी से सब कुछ डिराइव होगा। तो हर इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द दो स्ट्राइक प्राइसेस होती है, यानी कि हर मार्केट प्राइस के इर्द गिर्द दो स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगी, एक उस बाजार भाव से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस और दूसरी उस बाजार भाव से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो मार्केट प्राइस है 242, तो इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस क्या हुई 200 और इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस क्या हुई 300। तो एक द स्ट्राइक प्राइस विच इज स्मॉलर देन द मार्केट प्राइस और दूसरी द स्ट्राइक प्राइस विच इज लार्जर देन द मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच में पिसा हुआ बाजार है right. और इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अभी बाजार चल रहा है। ठीक है, आगे चल के इसी के बेसिस पर हम लोग आईटीएम एटीएम ओटीएम उन सब की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, तो इनको हम कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बाजार की का करंट मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये जोड़ी ही तय करती है। आगे चल के इसको हम लोग सीखेंगे। अब हमको दो बातें पता चल गई, हमको पता चल गया कि इमेजिनरी लाइन कहां है यानी कि मेरा मार्केट कहां है, उसके इर्द गिर्द दो स्ट्राइक प्राइसेस कौन सी हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली, और तीसरी बात हमको ये पता चल गई कि इमेजिनरी लाइन जब बुलिश होगी यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी। अब मैं आपको पता बताऊंगा, पता इन द सेंस कि मैंने आपको बोला कि बाजार में रेजिस्टेंस से ट्रेड करना है या सपोर्ट से ट्रेड करना है, ऐसी बातें हम नॉर्मली सुनते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम बेसिकली कहाँ देखने चले जाते हैं, हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं, किसी इंडिकेटर के थ्रू देखते हैं। हम कोई सा भी इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया, या किसी तरह के इंडिकेटर्स को लगाते हैं। अब बेसिकली ये इंडिकेटर्स हमारे हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड काम करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब, जब भी किसी इंडिकेटर के बारे में आप पढ़ेंगे समझेंगे, कोई सा भी इंडिकेटर, जैसे RSI उठा लिया, तो RSI का मतलब कि हिस्ट्री में जो डेटा पर उसने हिट किया हुआ है उसी डेटा के हिसाब से आज वो कैलकुलेट करके डेटा हमको बता रहा है। बोलिंजर बैंड लगा लिया, वो भी मूविंग एवरेज पे डिपेंड करती है। EMA लगा लिया, MA लगा लिया, ईच एंड एवरी इंडिकेटर जो हम कैंडलस्टिक में यूज करते हैं या कैंडलस्टिक का ही जब हम पैटर्न यूज कर रहे हैं तो वो पैटर्न किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। हम ट्रेंड लाइन भी यूज कर रहे हैं तो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि हिस्ट्री में ये हुआ है तो आज भी होगा, राइट। यानी कि अगर हम उन पैटर्न्स की बात करें कि आज के बाजार से उन पैटर्न्स का क्या लेना देना है, तो उन पैटर्न्स का आज के बाजार से ज्यादा लेना देना नहीं है, ज्यादा लेना देना है कि हिस्ट्री में क्या इसने यहां पर यह काम किया है तो आज भी करेगा, नहीं किया है तो नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन चेन की बात करें, वाई ऑप्शन चेन इज डिफरेंट फ्रॉम कैंडलस्टिक, करंट डेटा पे चल, करंट डेटा, अभी कितने लोग यहां ट्रेड कर रहे हैं वो सारा ट्रेडिंग का डेटा हमको यहां पर ऑप्शन चेन में मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन चेन क्या हो गया, कैंडलस्टिक या किसी भी इंडिकेटर से डिफरेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन चेन में करंट मार्केट में क्या हो रहा है वो हमको पता चलता है। अब जब बीच में हमको स्ट्राइक प्राइसेस दिख गई और इन स्ट्राइक प्राइसेस पर हमको इमेजिनरी लाइन दिख गई, तो अब हमको ये समझना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हमारे बाएं हाथ पर, जो हमारे बाएं हाथ पर डेटा है वो कॉल साइड का डेटा है, और जो हमारे दाहिने हाथ पर हमारे राइट हैंड साइड में डेटा है ये हमारे पुट साइड का डेटा है। यानी कि पुट पर जितने लोग खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइसेस पर पुट साइड में जितने लोग खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं उनका डेटा हमको इस साइड दिखाई दे रहा है, और कॉल साइड में जितने लोग खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं उनका डेटा हमको इस साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अब जब हमको कॉल का भी डेटा दिखाई दे रहा है, पुट का भी डेटा दिखाई दे रहा है, बाजार बुलिश होगा तो कॉल साइड की LTPs इंक्रीज होनी शुरू होंगी, राइट, और पुट साइड की LTPs डिक्रीज होनी शुरू होंगी, बिल्कुल ठीक है। बाजार बेरिश होगा तो पुट साइड के LTPs इंक्रीज होनी शुरू होंगी, कॉल साइड के LTPs डिक्रीज होनी शुरू होंगी। क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होंगी? इसलिए इंक्रीज और डिक्रीज होंगी क्योंकि बेसिकली कॉल साइड में जब ट्रेडिंग होगी तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जब बुलिश होगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होगी। अब तुरंत सबके मन में सवाल आ जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसा कौन सा शब्द मैंने बोल दिया। बेसिकली हर LTP की अपनी रेसिपी होती है,
रेसिपी इन द सेंस कि वो बनती कैसे है। देखिए हमको दिखाई दे रही है स्ट्राइक प्राइसेस, इन स्ट्राइक प्राइसेस के लेफ्ट हैंड साइड पर एलटीपी का कॉलम दिखाई दे रहा है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड कॉल की एलटीपी, राइट हैंड साइड पुट की एलटीपी। जी अब बेसिकली हुआ क्या कि 200 की एलटीपी दिखाई दे रही है 247 और इसी 200 की पुट की एलटीपी दिखाई दे रही है 135। ठीक है, 247 हो गया कॉल की एलटीपी, 345 या 135 हो गया पुट की एलटीपी। राइट, ये आई कहां से, बनी कैसे, इसके बनने के पीछे भी लॉजिक है, कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? ये एलटीपी बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके बनी होती है। मैथमेटिक्स आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी को एनएससी ऑप्शन चेन पर देखूं, मैं बोलूं कि यहां पर कॉल में 24,500 पर निफ्टी देख रहा हूं मैं, तो इसकी कॉल की एलटीपी चल रही है मेरी 115 रुपीस और 500 की पुट की एलटीपी चल रही है 122 रुपीस। अब सबसे पहले तो इसमें मार्केट प्राइस क्या है, तो निफ्टी का मार्केट प्राइस है 480। अब मैं बोलूं कि कॉल साइड में, कॉल साइड में कितनी एलटीपी दिखाई दे रही है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मैं आपको फॉर्मूला लाख बार बता दूं लेकिन इंस्टेंट दिमाग में कैलकुलेशन होना, इंस्टेंट उसको समझना, बार बार समझना इज प्रॉब्लमेटिक इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके चेन में जो हम देखने जाएंगे सेम। अब हम वापस आते हैं यहां पर, अब मेरे पास बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी में मेरे पास यहां पर देखिए राइट साइड में एक टैब है आईवीटीवी का टैब, तो ये आईवीटीवी के टैब पर मैं गया और आईवीटीवी के टैब पर जाने के बाद मैंने यहां पर सिंपल प्लेन यहां पर आईवीटीवी देखना शुरू किया। ये आईवी आपको याद दिला देता हूं कि ये आईवी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी नहीं है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इज डिफरेंट आईवी, वो प्लेन आईवी लिखी हुई है। अगर आई डॉट वी डॉट लिखा हुआ मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू है। right. अब बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होता क्या है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में ये मार्केट प्राइस, कॉल साइड में ये मार्केट प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस से जितनी ज्यादा बड़ी है, जैसे 200 से 291 कितने रुपए बढ़ा है, 91 रुपीस बढ़ा है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे 91 रुपीस दिखाई देगी। यहां पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये 86 रुपीस आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली इसके बराबर, इसके डिफरेंस के बराबर, ये 86 रुपीस देखेंगे तो वहां चेंज होता रहेगा। 87 हो गया, 87 हो गया, 84 हो गया, तो यहां भी 84 हो गया, तो यानी कि 200 से जितने रुपए ज्यादा है उतना ही हमको इसकी इंट्रिंसिक दिखाई दे रही है। पुट साइड में 300 से ये जितने रुपए नीचे है उतना ही हमको इसकी इंट्रिंसिक दिखाई दे रही है। 13 रुपीज नीचे है तो 13 रुपीज की इंट्रिंसिक दिखाई दे रही है, 12 रुपीज नीचे, तो यानी कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू कंटिन्यूअसली हमारे नजरों के सामने है, हमको दिखाई दे रही है इंट्रिंसिक वैल्यू की कितनी है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का काम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू जानने से ज्यादा जरूरी होता है टाइम वैल्यू को जानना। अब टाइम वैल्यू क्यों जानना जरूरी होता है, क्योंकि एज अ बायर जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो जो आपका लॉस होता है ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉस नहीं होता है, वो बेसिकली टाइम वैल्यू का मेजर लॉस जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। हाँ, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो, और जब आप एज अ राइटर बाजार में ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट इंट्रिंसिक वैल्यू का नहीं बल्कि टाइम वैल्यू का होता है। तो यानी कि बायर के केस में भी टाइम वैल्यू जानना जरूरी है क्योंकि वो आपका लॉस हो सकता है, और राइटर के केस में भी टाइम वैल्यू जानना जरूरी है क्योंकि वही आपका प्रॉफिट है। राइट, अब इसी इंट्रिंसिक वैल्यू के बगल में आप देखिए टाइम वैल्यू लिखा हुआ है, 168 रुपीज का टाइम वैल्यू कॉल साइड में दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिए 168.64 रुपीज और पुट साइड में 155 रुपीज। बिल्कुल ठीक है, ये टाइम वैल्यू ही वो वैल्यू है जो एक्सपायरी के दिन, अब बैंक निफ्टी आज जब हम शूट कर रहे हैं इसका एक्सपायरी कल है, ठीक यहां से 24 घंटे बाद लगभग 3:15 बज रहा है, तो 24 घंटे बाद एक्सपायरी, 24 घंटे में 162 रुपीज जीरो हो जाना है। इतना सारा पैसा आप 160 रुपए 160 रुपीज का प्रीमियम खरीद रहे हैं जिसमें से 153 रुपीज जीरो होने वाला है, तो कितना बड़ा टाइम वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रहा है जिसको हम खरीद रहे हैं जिस प्रीमियम को, उसमें जो हवा है बलून में जो हवा है वो 163 रुपए में 163 में 163 की हवा भरी में। राइट, तो हमको एज अ बायर, जागो ग्राहक जागो, सिंपल, जब आप बायर हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि इसमें से कितना हवा खरीद रहे हैं और कितना माल है एक्चुअल। राइट, तो माल एक्चुअल जो उसके अंदर है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो हवा है वो उसकी 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 इसके अंदर की एयर हमको यहां दिखाई दे रही है। जी, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आप जब देखेंगे तो इमेजिनरी लाइन पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर सारी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। राइट, और कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे सारी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, यानी कि उसके अंदर जो एक्चुअल जो मटेरियल है जिससे बायर पैसा कमा सकता है वो जीरो है और जिससे राइटर पैसा कमा सकता है वो बहुत सारा है। राइट, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर। अब आप इसको बैठ के अगर कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी बायर हो या सेलर हो, कोई भी ट्रेडर हो, सीरियसली बैठ के इसको बस दो दिन बैठ के ध्यान से सिर्फ देखता ही रहे ना,
तो उसको आइडिया लगना शुरू होगा, अच्छा टाइम वैल्यूज और इंट्रेंसिक वैल्यूज इतनी स्पीड में डिफर करती हैं और इतनी स्पीड में टाइम वैल्यू कम होती है, राइट। तो कॉल साइड में आप इमेजिनरी लाइन के ऊपर देखेंगे तो आपको देखिए ढेर सारा इंट्रेंसिक वैल्यू और ढेर सारा टाइम वैल्यू दिखाई दे रहा है दोनों, और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे देखेंगे तो ढेर सारी इंट्रेंसिक वैल्यू और ढेर सारी टाइम वैल्यू, कई कई जगह पर आपको माइनस में इंट्रेंसिक वैल्यू दिखाई देती है, याद रखिएगा, सॉरी टाइम वैल्यू दिखाई देती है, ये होता है कई कई बार टाइम वैल्यू माइनस में होती है। इसका मतलब लोगों को बता देते हैं कि बेसिकली ये डिस्काउंट में मिल रहा है। हाँ डिस्काउंट में मिल रहा है, ये प्रीमियम डिस्काउंट में मिल रहा है, भाई खरीदना है तो खरीद लो, हम अभी एज अ राइटर यहाँ आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में होता है। हाँ इन द मनी में ही होगा, आउट ऑफ द मनी माइनस मनी, आउट ऑफ द मनी तो मतलब ऐसे ही टाइम है। एक्चुअली क्या है, ये लोगों को समझाना इसलिए जरूरी है, तो वो माइनस में है तो एक्सपायरी पर ये माइनस जीरो होना है, जीरो जीरो माइनस, मतलब माइनस मतलब अभी डिस्काउंट है, बट क्या है इन द मनी में जाके लोग ट्रेड ही नहीं करते। हाँ एकदम डीप इन द मनी नहीं जाते हैं। हाँ। आगे चल के मैं इसका भी जब मैं बताऊंगा ना कि आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदे या कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेचे, ये एक बात में बहुत बड़ा सवाल है। जब हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे ना तो मैं हर एक स्ट्राइक प्राइस का एकदम राज खोल के बताऊंगा कि एक्चुअल में यहां करेंगे तो क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है, और यहां करेंगे तो क्या बेनिफिट या लॉस हो सकता है। मतलब जैसे अब तो खैर बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट बंद हो गई। हाँ ये जो डिस्काउंट वाली चीज है ना ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती, पता नहीं होती। और जब बड़े मार्केट में मूव आते हैं ना तो ये डिस्काउंट वाली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है मार्केट में। बट इसे ट्रेड कैसे करना है, तो डिस्काउंट पे इसका मतलब है कि उसे खरीद लें, वो पुट साइड के ऑप्शन है। मतलब आप अगर उसे खरीदोगे तो मार्केट गिरेगी तभी फायदा होगा, अगर मार्केट ऊपर चली गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो खरीदने से पैसा नहीं बनेगा, बट शायद कुछ और करने से पैसा बने, शायद आर्बिट्राज नाम का भी कोई शब्द होता हो तो अभी हम नहीं बताते आपको, आपको धीरे धीरे सब पता लगेगा, कंटिन्यू करना। हाँ अभी आर्बिट्राज भी अगर चले जाएंगे तो हमारे एकदम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस को बस इतना पता है कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। बट मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों के ना कान में वो शब्द पड़े कि भाई डिस्काउंट ऑप्शन पे प्रीमियम सस्ता भी होता है। हाँ। ये मतलब नया कंसेप्ट है, अभी क्या कि आपकी ऑप्शन चेन पे एलटीपी पे दिख गया, ये दिख गया। हाँ। वरना एनएससी पे कहाँ दिखेगा, नहीं एनएससी पे तो आप बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको कि ऐसा कुछ होता भी है। हाँ तो वो नहीं पता लगेगा। हाँ। वो तो क्या होता है, जो ट्रेड कर रहा होता है ना वो कैलकुलेट करता है कि अच्छा ये वाला डिस्काउंट में मिल रहा है। सो अब बात क्या आती है, जब जैसे आर्बिट्राज कान में गया तो आज नहीं करेंगे, आज से पांच साल बाद कभी याद आएगा अरे कोई आर्बिट्राज नाम का कॉन्सेप्ट है। और जब मार्केट में बड़े मूव आएंगे तो बड़े मूव्स में ये पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बनेंगी आपकी। बिल्कुल, तो वापस हम लोग टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू पर आते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, अब हमको ये देखना है, हमने आईटीएम ओटीएम एटीएम का नाम सुना होगा जी, और ये बड़ा कॉमन नेम है, कई कई बार फोन कॉल्स आते हैं वो एडवाइजरी वाले तो उनसे एटीएम आईटीएम ओटीएम पूछ देंगे तो हो सकता है कि आपको जवाब ना मिले। उत्तरी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं ट्राई करिए, आपके पास भी जैसे जो बॉडीज जो यूट्यूब पे देख रहे हैं हमको, ठीक है आप ट्राई करिएगा, अगली बार जब आपके पास फोन कॉल आएगा ना तो अगर आपसे बोले कि मैं बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव दूंगा तो उसको पूछिएगा बस तुम मेरे को आईटीएम ओटीएम की डेफिनेशन बता दो, फिर देखिए वो आपसे लड़ाई कर देगा, हो सकता है वो गाली गलौज पे भी आ जाए क्योंकि उसको उसका बंदा कस्टमर नहीं मिला ना। अच्छा तो आईटीएम एटीएम जानना क्यों जरूरी है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आईटीएम एटीएम नहीं जानेंगे तब तक हम सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, हमको टाइम वैल्यू का अंदाजा ही नहीं लगेगा। ये कुछ ऐसा होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको घर से बोला गया कि चले जाओ, कहाँ जाओ ये बताया ही नहीं गया, कैसे जाओ ये भी नहीं बताया गया, बस बोला गया कि चले जाओ, अब आप कहाँ जाएंगे। मतलब अगर आप एज अ ट्रेडर बाजार को देख रहे हैं तो बाजार ने आपको बोला ट्रेड करो, कहाँ ट्रेड करना है कैसे ट्रेड करना है हमको पता ही नहीं है, बस हम एक डायरेक्शनलेस घूम रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। तो जब हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे तो वहां ये सबसे ज्यादा यूज आएगा, और जब हम रिवर्सल को देखेंगे तो वहां पर भी आईटीएम एटीएम ओटीएम ही सबसे ज्यादा बार यूज होगा। मैं इस शब्द को बार बार बोलूंगा आगे चल के, इसलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है। तो जो स्ट्राइक प्राइसेस, जिन स्ट्राइक प्राइसेस पर इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल है कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे, जिन भी स्ट्राइक प्राइसेस पर इंट्रिंसिक वैल्यू अवेलेबल है वो सारी स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस कहलाती है, क्योंकि इनके पास पैसा है। इन द मनी कहते ही इसके लिए है क्योंकि इनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए ये इन द मनी है, राइट इन द मनी है। और जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है वो सारी आउट ऑफ द मनी कहती कहलाती है, पैसा नहीं है उसके पास तो आउट ऑफ द मनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसके पास। आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि कभी भी एक्सपायरी के दिन जब बाजार एक्सपायर हो जाता है तो जो ये एलटीपी है ना ये इंट्रिंसिक वैल्यू के ठीक बराबर ही बचती है। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं हिस्टोरिकल में जाता हूं,
हिस्ट्री इतिहास देखता हूं और निफ्टी की पिछली एक्सपायरी को हम लोग चले चलते हैं। 17th ऑफ अक्टूबर को लास्ट एक्सपायरी हुई थी, हम लोग 17th ऑफ अक्टूबर को ही चलते हैं और 3:30 पर बाजार को देख लेते हैं। 3:30 पर मार्केट को हम लोग यहां देखने का प्रयास करते हैं कि 3:30 पर मार्केट कैसा चल रहा था। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट एक्सपायरी है, एंड हो गया मार्केट, एंड कहां पर एंड हुआ, 750 पर एंड हुआ। अब 700 से कितना बड़ा, 750 से कितना बड़ा, 0 रुपया बड़ा, कुछ भी नहीं बड़ा। तो यहां इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी आई, 20 पैसे, और यहां का प्रीमियम कितना हो गया, जीरो। 750 700 से कितना बड़ा, 50 रुपया बड़ा, 50 रुपया प्रीमियम, राइट। 750 650 से कितना बड़ा, 100 रुपीज बड़ा, तो 100 रुपीज प्रीमियम। यहां 150 200 250 300 350 400 450। तो जितनी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ही हमारा एलटीपी फिक्स्ड। इसमें एक चीज और जाननी थी मुझे, लोग बैकटेस्ट भी करेंगे। हाँ, जो अभी आपने हिस्टोरिकल अपना ये खोला ऑप्शन, हाँ, चेन, इसके अंदर जो आपका वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट आता है वो भी दिखेगा उस वीक का? हाँ दिखेगा। कहाँ दिख रहा है इसमें? इसमें क्लिक करिए, दिखेगा। अच्छा, ये भी दिखेगा। हाँ, 635, तो लोग इससे बैक टेस्ट कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में आपको समझ आएगा, दिखा सकते हैं कि लोगों को समझ आएगा कि भाई तुम चाहे तो बैक टेस्ट करके देखो, हाँ, कर कि भाई जो रेंज आपकी ऑप्शन चेन से निकल रही है, हाँ, मार्केट उसके बीच में ही क्लोज हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल, और आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, बिल्कुल सही है, वो चार्ट से आके बैक टेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं, मतलब हमारा वॉइस नोट, उस दिन जो मैंने वॉइस नोट बोला होगा इस पर्टिकुलर डे का, उस डे का वॉइस नोट भी यहाँ प्ले होगा, उसी डेट का, सब कुछ उसी डेट का होगा वहाँ पे। ओके, जो भी हम देखेंगे हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल में। तो इसी तरीके से पुट साइड में देखिए, तो पुट साइड में 800 से मार्केट कितने पॉइंट नीचे है, तो 800 से 50 पॉइंट्स नीचे है, तो 50 रुपीज इसका प्रीमियम हो गया, सेम से, और यही 50 रुपीज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। 99 150 200 250 300 350 400 450 500। तो सोचिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी टाइम वैल्यू जीरो हो गई, सारी टाइम वैल्यू 5 पैसा सबकी वैल्यू हो गई, टाइम वैल्यू सब खत्म, यहां भी टाइम वैल्यू खत्म, जीरो, सब जगह टाइम वैल्यू जीरो। तो जीरो क्या होना है एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द एक्सपायरी, टाइम वैल्यू कौन है, बचना क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जिन भी स्ट्राइक प्राइसेस पर इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई देती है, इसीलिए इसको इन द मनी कहते हैं भैया, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। देखिए, सब पूरी दुनिया खत्म हो गई लेकिन इसके पास पैसा बचा है, सो दैट इट इज कॉल्ड इन द मनी वाली वैल्यू। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस आपको इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। अब इसमें बस एक चीज लोगों के लिए जानने जरूरी है, जो अभी इन द मनी है वो जरूरी नहीं है कि कल भी इन द मनी रहेगा, वो कल आउट ऑफ द मनी हो सकता है, और आउट ऑफ द मनी इन द मनी बन जाए, ये बायर का सपना होता है। हाँ, ये तो चलता हुआ बाजार है, इसके बारे में तो हम लोग समझेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे हम लोग, कई सारे कंडीशंस पे भी बात करेंगे। कि अभी सपोज करिए कि मार्केट ये यहाँ जो 3:30 हो रहा है, सपोज करिए कि ये 3:30 के बजाय 3 PM हो रहा होता, ठीक है, जो आपने बात बोली 3 PM हो रहा होता, और इस 3 PM पर मान लीजिए कि ये 900 का प्रीमियम, मान लीजिए 1 रुपी चल रहा होता, और एक बायर आता और वो इसको खरीद लेता कि मेरा कितना ही लॉस होगा, 1 रुपया गुड़ा 25 रुपए का लॉस होगा, चलो एक प्रीमियम खरीद लेते हैं, 25 का लॉट साइज है, प्रीमियम खरीद लिया, 25 रुपए का लॉस होगा, 20 रुपए ब्रोकरेज, 45 का लॉस। वीडियो बना रहे हैं तो 25 का है, जब आप हो सकता है इन फ्यूचर देखेंगे 75 का हो चुका, 75 हो चुका रहेगा, ठीक है, उसका 75 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, हमको कमेंट में मत बोलिएगा 50 एक्स्ट्रा हो गया लॉस। चलिए, तो 25 का लॉस हो गया उसने ऐसा सोच लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑल ऑफ सडन मान लीजिए कि 30 मिनट्स में मार्केट जंप करके 900 से ऊपर 25,000 आ गया, ठीक है, मार्केट जंप किया, 250 पॉइंट जंप किया, और 250 पॉइंट जंप करके 25,000। अब ये आपका 25 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, सीधा 100 रुपीज हो जाएगी, 100 गुना पैसा हो गया, 100 गुना हो गया आपका, 25 रुपए का 2500 बन गया, 25 रुपए का 2500। इसी को लोग बोलते हैं जीरो टू हीरो, लेकिन समस्या क्या है, बहुत मजेदार बात है, 1 लाख का 1 करोड़ बन गया। लेकिन समस्या ये है कि ये जीरो टू हीरो वाले ट्रेड में लोग बहुत अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, और 100 में से 99 बार लॉस करेंगे, 10 में से 9 भी मैंने नहीं बोला, 10 में से 9 होता तो बहुत अच्छा रेशियो होता, 100 में से 99 बार, 10 में से 9 होता तो 100 में से 10 बार प्रॉफिट होता है, तो 100 में से 99 बार लॉस करते हैं, और वो लॉस इतना यूज हो जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता है करना क्या है। तो जीरो टू हीरो भी सीखेंगे आगे चल के हम लोग। फिलहाल तो इन द मनी वो होता है जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू हो,
आउट ऑफ द मनी वो होता है जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो। सवाल ये है कि एट द मनी क्या होता है। एट द मनी आपको हमेशा चलते हुए बाजार में पता चलेगा, ये हिस्टोरिकल मार्केट में नहीं पता चलेगा। लाइव मार्केट अभी बाजार है, एट द मनी वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगी। अब यहां पर देखिए, यहां 97 की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है इस तरफ, और इस तरफ 100 की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है, और यहां देखिए तो 105 की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है, और इस तरफ 109 की टाइम वैल्यू। तो ऐसी स्ट्राइक प्राइस जिसके कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू हो, ऐसी स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी कहते हैं। और उस वो टाइम वैल्यू सेंट्रल टाइम वैल्यू होती है, मतलब कोई भी स्ट्राइक प्राइस जब एट द मनी पर आएगी तो उसकी टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा फूल जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एज अ बायर कभी भी आपको एटीएम वाली बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एटीएम वाली बाइंग कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि ऐसी ऐसी चीज की खरीदारी कर रहे हो, गुब्बारे को वजन से खरीद रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा हवा भरा हुआ है। आप गुब्बारे का वजन खरीद के गुब्बारा खरीदो तो एक तो बिना हवा भरे हुए गुब्बारा खरीद लो आप, और एक कि उसमें सबसे ज्यादा हवा भरी हुई है, जब उसका वजन सबसे ज्यादा है आप उस गुब्बारे को खरीद लो, तो आप समथिंग लाइक दैट। तो और जब जिस सेंट्रल से चलेंगे तो इधर साइड जाएंगे तो भी टाइम वैल्यू घटती जाएगी, और इधर साइड जाएंगे तो भी टाइम वैल्यू घटती जाएगी, दोनों तरफ टाइम वैल्यू घटेगी, सेंट्रल पे सबसे ज्यादा रहेगी, और उसी को हम लोग कहते हैं एटीएम। कैसे करते हैं हम लोग खरीदारी एटीएम पर, ओटीएम पर, आईटीएम पर? कब करते हैं हम लोग खरीदारी एटीएम, ओटीएम, आईटीएम पर? ये सब बात बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में। फिलहाल हैंड ओवर टू यू। सो अगर आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना और आपको मजा आ रहा है सीरीज में, तो आपको कमेंट में लिखना है यस वी वांट द नेक्स्ट वीडियो। बेसिकली इस सीरीज के अंदर हम ऑप्शन चेन को डिकोड करने वाले हैं, तो सीक्रेट जितने भी ऑप्शन चेन के वो सब मिलने वाला है, तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे इस वीडियो में भी हमने बात करी कि भाई जो टाइम वैल्यू है और इंट्रेंसिक वैल्यू है उससे मिलकर आपका LTV बना है, बट फिर भी आपने देखा कि कभी कभी आपका LTV डिस्काउंट में भी चल रहा होता है। वो डिस्काउंट में कैसे होता है, हो सकता है कई लोगों को ना भी पता हो। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो थी, बट मैं आपको अभी बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्सल्स की। कौन सी स्ट्राइक से रिवर्स हो सकता है प्राइस, क्योंकि रिवर्सल क्विक होते हैं, वहाँ पे मोमेंटम कैप्चर हो सकता है, ऑप्शन बायर का पैसा बन सकता है, सेलर भी सेलिंग करके पैसे बना सकता है। बट अगर आपको वो सीखना है सो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, सो कमेंट कीजिए यस वी वांट द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको LTP कैलकुलेटर यूज़ करना है आप डेफिनेटली गूगल पे आके सिंपली सर्च कर सकते हो LTP कैलकुलेटर। इनफैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे देंगे, और विनय प्रकाश जी का जो चैनल का नाम है वो भी LTP कैलकुलेटर ही है, तो चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को समझ आए कि वो किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखते हैं, ऑप्शन चेन को जान के ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।